अब आप सोचेंगे कि काम हुआ नहीं है दाता हजूर पे हाजिरी देने के लिए, जो दूर दराज से लोग आएंगे वो किस तरह हाजिरी देंगे। तो मेरे भाई उनके लिए भी इंतजाम किए गए हैं, आपको दिखाते हैं कि जो जाहिरीन दूर दराज से आएंगे और दाता हजूर को सलाम। ये बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला गाह की जगह है, जहाँ पे बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने चिल्ला किया था। ये सारा मंजर है, बहुत कम लोगों को ये पता है, तो हमने सोचा आज उन लोगों को ये भी दिखा दिया जाए ताकि उन्हें ये भी पता चल जाए कि बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने चिल्ला कहाँ पे किया था। ये भी सारा वीडियो में देखें। तो आपको मज़ार के पास कब्रें नज़र आ रही हैं, वो एक जोगी की है और एक अंग्रेज़ की है, क्योंकि अंदर नहीं जा सकते इस वजह से ये आपको बाहर से दिखा रहे हैं। सारा तैयारी हो रही है और कबूतर भी माशाल्लाह दाता हजूर के मज़ार पर बैठे हुए हैं, इतनी रौनकें लगी हुई हैं कि बता नहीं सकता। और नीचे भी जो है वो काफ़ी सारा जो है निज़ाम बहुत अच्छा किया हुआ, लंगर खाने का भी और वज़ू खाने का भी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद हसनैन बुखारी, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हैं। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दाता हजूर सरकार के मज़ार पर जो है वो काम जारी है। अब आपको दिखाने का मकसद ये है कि चंद दिनों के बाद दाता हजूर का उर्स मुबारक भी आ रहा है, 24, 25, 26 अगस्त को दाता हजूर का उर्स मुबारक भी है। तो अभी तक जो है वो काम जारी है। अब आप सोचेंगे कि काम हुआ नहीं है दाता हजूर पे हाजिरी देने के लिए, जो दूर दराज से लोग आएंगे वो किस तरह हाजिरी देंगे। तो मेरे भाई उनके लिए भी इंतजाम किए गए हैं, आपको दिखाते हैं कि जो जाहिरीन दूर दराज से आएंगे और दाता हजूर को मज़ारे पुर अनवार पर सलाम करने के लिए आएंगे, उनके लिए भी जगह बनाई गई है, वहाँ से आप सलाम करके आगे भी जा सकते हैं, लंगर शरीफ भी खा सकते हैं। आपको सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं, आए आपको दिखाते हैं पहले तो कि जहाँ से लोग गुजरेंगे सलाम करते हुए। ये सबसे पहले आप आगे आ जाएँ और ये दिखाएं, यहाँ से ज़ाहरीन जो है वो गुजरेंगे और दाता हजूर के मज़ार के पास से जो है वो सलाम करते हुए आगे गुजर जाएंगे। ये जगह बनाई गई है उनके लिए, ज़ाहरीन के लिए। ये रात को जो है वो बैरियर लगाए गए हैं जहाँ से ज़ाहरीन गुजर के सलाम करते हुए आगे जाएंगे। यहाँ से ज़ाहरीन जो है दाता हजूर के मज़ार को बोसा कर सकते हैं, ख्वाजा साहब के मज़ार को बोसा कर सकते हैं। ये देखना ये है कि एक नंबर गेट की तरफ से शुरू करते हैं आवाम को जो है वो सलाम के लिए, या मस्जिद की तरफ से। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में सारा पता चल जाए। और इस साइड पे आए तो वो चश्मे का भी बाहरी सिस्टम कर दिया गया है, जो कि दाता हजूर के सर मुबारक की तरफ हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो साइड पर आ गया है चश्मा भी। तो इसी तरह ही दाता हजूर की उस साइड पर भी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी साहब का जो मज़ार पुरानवार था वो भी अलहदा कर दिया गया है, उसको भी एक अलहदा शेप दी जाएगी। और इसके साथ ही एक बरामदे टाइप का जो है वो आपको स्केच में नज़र आ रहा है, वीडियो चल भी रही है साथ साथ, आप उसमें देख सकते हैं कि सेम इसी तरह का ये नक्शा बनने वाला है। अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे वो फाउंटेन लगेंगे जो पानी के होते हैं, तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ प्लेन ही है। दाता हजूर के उर्स मुबारक के बाद ये काम स्टार्ट किया जाएगा, जिस तरह नक्शा बनाया गया उसी तरह ये सारा जो है वो स्केच किया जाएगा। आप देखें कि इस तरफ जो है लेडीज़ की साइड पे भी जो काम जारी है, अभी तक इधर भी कुछ नहीं बना, ग्रीन जो है वो शीट लगा के बंद किया हुआ है। और ज़ाहरीन को अभी इस्लाम के लिए जो है दूर से ही कहा जा रहा है कि आप दूर से इस्लाम कर सकते हैं। और इस साइड पे आएँ तो मज़ार के पास जो है वो एक जोगी की भी कब्र है और एक जो है वो अंग्रेज़ की भी कब्र है, उसके भी पास है, और जोगी की भी कब्र जो है पास, वो भी आपको दिखाते हैं। जो आपको मज़ार के पास कब्रें नज़र आ रही हैं, वो एक जोगी की है और एक अंग्रेज़ की है, क्योंकि अंदर नहीं जा सकते इस वजह से ये आपको बाहर से दिखा रहे हैं सारा। तो इस जगह से तो आप सब वाकिफ़ हैं, ये मस्जिद वाला अहाता है जो माशाल्लाह फ्रंट साइड पे आता है दाता हजूर के मज़ार वाली साइड पे। यहाँ से मज़ार भी बहुत खूबसूरत है और इधर पिलर भी खड़े किए गए हैं, ये साइडों पे जो है वो छतरियाँ भी लगाई जाएंगी और बहुत ही खूबसूरत मंज़र बनाया जाएगा। और यहाँ पे लोग जो है इस वक्त भी महफिलें लगा कर बैठे थे और कुछ हराम भी कर रहे थे, लेकिन बहुत खूबसूरत ये मंज़र था। मैंने कहा यार हर वक्त यहाँ पे कुरान पाक की तलावत हो रही है और तलावत की जा रही है, नात खानी की जा रही है, और ये वो जगह है जहाँ पे दाता हजूर का मज़ार है और उसके पास ही ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, और उनके सामने ये एक बरामदा बनाया गया है जिसमें ये आप देख रहे हैं सारा स्केच। यहाँ से जो है दाता हजूर का मज़ार जो है बहुत खूबसूरत नज़र आता है। अभी लोगों को जो है वो मज़ार के पास नहीं जाने दिया जा रहा था, इस बरामदे में इस तमाम लोगों को
बिठाने के लिए जगह बनाई गई थी और वहाँ पे बैठ के वो कुरान पाक की तलावत भी कर रहे थे और दुआएं भी मांग रहे थे, नफल नवाफिल भी अदा कर रहे थे। बहुत खूबसूरत मंजर था। जब हमने दाता हजूर का ये नक्शा लिया और हमें बहुत ये दिल को प्यारा लगा कि कमाल का ये नक्शा तैयार किया, लेकिन इसे अगर पहले तैयार कर लिया जाता तो उर्स वाले दिन ये माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा आप भी देख पाते। लेकिन खैर, अभी इन्होंने लेट किया तो इस वजह से ये हुकूमत की ना अहली है कि इन्होंने ये लेट शुरू किया है। आपको सारी दाता हजूर की जो है वो तैयारियां दिखा दी कि काम भी जारी है और इस साइड पे जो है वो लेडीज की तरफ से भी काम ये सारा तैयार किया जाएगा, दोबारा से ये सारा रीन्यू किया जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं जंगले लगे दरमियान में, ये आपको बाद में नजर नहीं आएंगे क्योंकि इनको सबको प्लेन कर दिया जाएगा, ये सीधा एक सिमत हो जाएगा और सीधा जो आने वाले होंगे सीधा दाता हजूर के मज़ार की तरफ सीधा बंदा आएगा और डायरेक्ट वहाँ पे आप गुजर जाएंगे। इधर से आप आएंगे और यहाँ से आप सीधा होते हैं दाता हजूर के मज़ार पूरा अनवार की तरफ आप चले जाएंगे। और ये सारा जो आपको देख रहे हैं आपको ये बाद में नज़र नहीं आएगा, अभी इस वजह से दिखा रहे हैं ताकि आपके माइंड में पहले का भी स्केच मौजूद हो, क्योंकि ये अभी नज़र आ रहा है, इसके बाद शायद आपको नज़र ना आए क्योंकि उर्स मुबारक के बाद जो तेज़ी से ये काम शुरू हो जाएगा फिर ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ये शॉर्ट सा व्लॉग हमने इस वजह से बनाया क्योंकि चंद दिनों के बाद जो है वो दाता हजूर का उर्स मुबारक जो है वो शुरू होने वाला है, तो उसी के साथ ही यहाँ पे तैयारियाँ जोरों शोर से चल रही हैं। ये सजावट का भी जो आप देख रहे हैं ये सारा जो है वो तैयारी हो रही है और कबूतर भी माशाल्लाह दाता हजूर के मज़ार पर बैठे हुए हैं, इतनी रौनकें लगी हुई हैं कि बता नहीं सकता। और नीचे भी जो है वो काफ़ी सारा जो है निज़ाम बहुत अच्छा किया हुआ, लंगर खाने का भी और वजू खाने का भी, पीछे भी वजू खाना बहुत बड़ा बना हुआ है और यहाँ पे वाशरूम भी बहुत बड़ी तादाद में है और हर चीज़ जो है वो खूबसूरत इंशाल्लाह होगी और जो आने वाले हैं उनको भी इंशाल्लाह मज़ा आएगा, दाता हजूर के मज़ार पर आएंगे। बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते, तो आज मैंने सोचा ये भी जगह बता दें कि ये जगह किस साइड पे आती है। दाता हजूर की बैक साइड से आप आएंगे तो ये पीछे वाली साइड पे जो है वो आएगा, आपको बड़ा सा बोर्ड जो है वो नज़र आ जाएगा और उसके ऊपर लिखा होगा चिल्ला गा बाबा फरीदोद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह। आप ये सब सोचते होंगे कि ये जगह हमने देखी नहीं है, और मेरे भाई आप जब उर्स मुबारक पर आएँ तो इस जगह पर भी लाजमी आएँ। ये वो जगह है जहाँ पे बाबा फरीदोद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ पे चिल्ला किया था, ये वो जगह है। मैंने सोचा आज ये भी भाइयों को दिखा दे, बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। तो हम जब गए तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो खुशबू आ रही थी माशाल्लाह और मज़ा आ गया इस सारे अहाते को देख के, मज़ा आ गया। आप ज़रूर इधर आएँ और यहाँ पे एक दफा अपनी हाजिरी भी लगवाएं, इंशाल्लाह आपको दिल सुकून होगा। बाबा फरीद के चाहने वाले जरूर इस वीडियो को देखें भी और शेयर भी करें और यहां पे जरूर आएं, इंशाल्लाह ये जब आप मंजर देखेंगे तो आपको वो वक्त याद आ जाएगा उन बुजुर्गों का, माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंजर थे। यहां से आपके बाहर निकलने का रास्ता जो है वो बना दिया गया, इधर से आप बाहर निकलेंगे, यहां से बाहर जा सकते हैं। और इसी के साथ जो आपको दिखाते हैं पार्किंग के लिए भी है, जो लोग आएंगे गाड़ियों पे वो यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह इधर पार्क कर सकते हैं, इधर से आएंगे और यहाँ से पार्किंग भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और टिकटॉक पे और फेसबुक पे हमें ज़रूर फॉलो करें। तो इंशाल्लाह हम आपको इस तरह के ब्लॉग जो वो दिखाते रहेंगे और उस मुबारक की भी अपडेट देते रहेंगे। तो हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।